वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, यूपी के अंदर एक सरदार व्यक्ति की दस्तार उतारकर उसे बालों से घड़ीसा गया, उसके मोटरसाइकिल को तोड़ा गया, सरदार व्यक्ति को मारा पीटा गया। आखिर इसका कारण क्या था? कारण सिर्फ यही था कि तुम सरदार होकर मेरे साथ होली नहीं खेल रहे हो। ये गवारों की और इन निठल्ले लोगों की ये जो भीड़ यहाँ पर आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इन्होंने अपनी कौम का नाम तो डुबोया, साथ में हिंदू और सिख की जो साझीवालता का प्रतीक है उसमें भी ये लोग दरार पैदा करते हुए दिखाई देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना। संगत जी, वीडियो की तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस जगह का एग्जैक्ट है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि ये वीडियो यूपी पीलीभीत का है। एक तरफ हम कहते हैं हिंदू सिख भाई भाई हैं, दूसरी तरफ हम होली के दिन कहते हैं कि ये रंगों का प्यार का त्यौहार है। आखिर ये कौन से रंग हैं और ये कौन सा प्यार है? जब एक सरदार व्यक्ति या कोई भी यहाँ पर होता, वो अपने किसी जरूरी काम के लिए जा रहा होता, उसको रोककर रास्ते में जबरदस्ती होली खिलाई जाती, तो वो कौन सा प्यार था? वो तो नफरत फैलाने वाला प्यार था। और यहाँ पर तो एक सरदार व्यक्ति के केसों की बेअदबी हुई, दस्तार की बेअदबी हुई, बाल खोल दिए गए, मारा पीटा गया, उसकी मोटरसाइकिल को भी ये लोग देखो फेंक देते हैं। इतने घटिया और वाहियात लोग यूपी के हो गए हैं, ऐसा हमें देखकर शर्म आने लगी है। पंजाब के अंदर भी किस्से होते हैं, हिमाचल के अंदर कुछ लड़कों ने जाके तोड़फोड़ की, उन्होंने किसी लड़की के मामले में तोड़फोड़ की, मंदिर में पत्थर बरसाए, तो नेशनल मीडिया ने उसे हाईलाइट किया। लेकिन हमारे नेशनल मीडिया को ये वाला वीडियो क्यों नहीं दिखाई दिया? आज तक NDTV या जी न्यूज को ये वाला वीडियो क्यों दिखाई नहीं दिया? आखिर उन्हें एक सरदार व्यक्ति के साथ होती मारपीट क्या दिखाई नहीं दी? ये वीडियो हर बड़े मीडिया चैनल, बड़े मीडिया हाउस के पास भी गया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। आखिर हमें ही करनी पड़ती है, क्योंकि पंजाब के अंदर कुछ हो तो भी सरदार जिम्मेवार, हिमाचल में हो तो भी जिम्मेवार, अगर जम्मू कश्मीर के चिंतपूर्णी माता मंदिर में तोड़फोड़ हुई तो वहाँ पर भी सरदार जिम्मेवार। और अब यूपी के अंदर इन दियों ने इस सरदार की दस्तार उतारी, उसके शस्त्र छीन लिए, तो यहाँ पर भी सरदार ही जिम्मेवार है, ये सरदार की ही गलती है, क्योंकि सरदार लोग वहाँ पर यूपी के अंदर, बिहार के अंदर रहते हैं। आखिर कहाँ है हमारे वो हिंदू संगठन भाई जो एकता की बात करते हैं? आखिर क्यों नहीं वो इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी वीडियो के माध्यम से यही अपील है, हिंदू हो या सिख हो, हम किसी के साथ नफरत नहीं करते, लेकिन जो इस प्रकार से जो लोग दो जातियों को, दो मजहबों को, दो धर्मों को इस प्रकार से होली के दिन आपस लड़वाने का काम करते हैं, इन लोगों के ऊपर, इन वाहियात लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। ये घटना यूपी के पीलीभीत की बताई जा रही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।